तो जिंदगी के इस सफर में हम फिर से एक नए सफर पे चले हैं, ज्यादा दूर नहीं मिसना चाहिए, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं जो भी हो। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करना। था तो चलते उठ गया, उसके घर का काम वाम करके और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ विष्णु जी। वैसा तो मुझे कुछ काम से जा रहा हूँ, दिखाएंगे जो भी, फिलहाल चलते हैं। फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ बिश्नोई चैली, यहाँ पे देख सकते हो अभी यह मार्केट एकदम लो है। ऐसा बिश्नोई गुरुवार को पहले भी आया था, पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ था, लेकिन अभी एकदम भीड़ भी नहीं है। दुकानें भी सुबह में भी 11 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं और अभी तक मतलब ऐसा मार्केट है। पहले भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, अभी कम है। चलो पहले चाय पीते हैं फिर जाएंगे और जो भी हो दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली बिश्नोई चैली पहुँच चुका है, यहाँ टोकरी पे खा रहा हूँ चाय नाश्ता। तो गाइस मैं अभी यहाँ आया हूँ पूरा सामान वगैरह लेने के लिए, बट ट्रॉली बैग देख सकते हो काफी महंगा है, कम में भी है। तो थोड़ा सामान लेते हैं यहाँ से और फिर जाएंगे वापस घर। और ये टाइम ना उल्टा पुल्टा देखा, अभी 10:25 का टाइम सेट करना पड़ेगा, ये उल्टा पुल्टा टाइम देखता है, मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, अलग अलग टाइम है। तो चलो जो भी हो दिखाएंगे। गाइस मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, अच्छी लग बात है। तो चलो सामान वगैरह लेते हैं उसके बाद जाएंगे जो बस्ताना। तो गाइस यहाँ पे बैग्स देख सकते हो, स्कूल बैग साइड बैग वगैरह है, लेकिन काफ़ी महंगा है और महंगाई तो बढ़ ही चुकी है गाइस बोलेंगे। चलो लेते हैं और जाते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं उसके बाद जाएंगे घर। ना इस गर्मी में मेरा हालत ख़राब हो चुका है और ये शर्ट पहन के आया हूँ ना तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। अभी हम हैं बिश्नोई चैली में, फिलहाल जो जो सामान था वो सब कुछ ले लिया, जिस काम के लिए आया था वो सब भी काम कर लिया है और फिलहाल मैं अभी जाना कुछ खाने पेट पूजा करने। हाँ पिछले हफ्ते जब आया था बिश्नोई घाट गया था, लेकिन इस बार नहीं जाएगा बिश्नोई घाट, यहीं पर भी सामान वामान देख लेते हैं कहाँ क्या मिलता है घर जाएगा। हिलर है यहाँ। तो गाइस चलो चलते हैं और दिखाते हैं जो भी। मैं हुई होटल में खाना खाने के लिए, पानी तो मिल गया, अब चावल आएगा खाना खाएगा फिर जब मैं जब भी बिश्नोई चाय लिया तो ना इसी होटल में खाता हूँ खाना, तो खाना खाते हैं और फिर जाते हैं घर। जो भी काम था कर लिया, अब चलो चलते हैं खाना खाएंगे फिर जाएंगे। बिश्नोई घाट नहीं जाएंगे, एक बार तो जाके आए हैं, फिर 20-40 रुपया खर्च करके क्या ही जाएगा और एक ही जगह को क्या ही। तो गाइस मेरा माल और ये रही माल, दुकान खोलते हैं माल मिलाते हैं उसके बाद दिखाएंगे। और ये देखो मेरे दुकान में कीड़े मकोड़े आ गए, गोल हो जाता है। तो दुकान खोलते हैं माल मिलाते हैं, वहाँ पे देखो दुकान पहले से खुला है, बंद के दिन भी खुला है और यहाँ पे टास्क है तो मिलाना पड़ेगा। देखो बस्ता एकदम फट चुका है, कैसा बस्ता दिया है, फट चुका है, ऐसा होगा तो माल कैसे लाएगा। चलो गली दिखाते हैं आप लोगों को, साइड में लगे देखो गली, सब अपने काम में आते हैं तो अच्छा खाट के जाएंगे घर। तो कल मेरे बाल काटा कैसा लगा तुम्हें, क्या क्या बताऊँ। तो गाइस मैं कल के लिए कुछ काम टाल नहीं देता हूँ कि कल करेंगे, आज माल लाया था थोड़ा बहुत, उनको मिला लिया आराम से, अभी दुकान में हूँ, आराम से दुकान बंद करेंगे और चलो घर चलते हैं। वैसे भी मैं थक चुका हूँ, घर जाके कपड़ा वपड़ा अच्छे से चेंज करेंगे, नहा धो के फ्रेश होके खाना खा के सो जाएगा। अभी फिलहाल दुकान में हूँ ना तो चला जाएगा, तो दिखाते हैं कल नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं जो भी था मैंने ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दिया, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते जल्द नए ब्लॉग में।
बाय बाय। ब्लॉग वही ख़त्म नहीं हुआ था, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मतलब कुछ हुआ था बरपुखरी पार्क में, तो चलो दिखाते हैं जो भी हो। बरपुखरी पार्क में आया था आज उत्पल बड़ा, तो उसी के लिए कुछ कार्यक्रम है, दिया गया जलाया है। देखो आज पूरा पूरा बरपुखरी को साफ किया गया है और चारों ओर दिया जलाए हैं, देख सकते हो। मैं तो दिन में आना था, दुकान में था, सामान मिला रहा था, तो बिजी रहा और नहीं आ पाया। अभी आए हैं तो थोड़ा दिखते हैं कैसा लगता है। यहाँ देखो ये तो टाइल्स बहुत ही गर्म है रे, गर्म गर्म। यहाँ पे दिया जला हुआ है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और ये रहा कनकलता मुकुंद काकति का स्टेचू, और यहाँ इसके नीचे दिया जलाए है, कुछ था कार्यक्रम। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ कागोजी विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, आज के दिन कारगिल दिवस था, कारगिल युद्धर बाबे वीर युद्ध योद्धा सकलोले श्रद्धांजलि उ हहुद्ध प्रणिपात। मतलब कारगिल युद्ध जो हुआ था ना, तो उसी के लिए ये है, आज श्रद्धांजलि दिया है। कारगिल युद्ध में कारगिल विजय दिवस पालन किया आज के दिन, यानी आज कितना है 25, सही बोला ना 25, हाँ हाँ 25 जुलाई है आज। और आज के दिन कारगिल विजय दिवस हुआ था, कारगिल पे हमें जीत मिली थी, और उसी के लिए देखो पोस्टर भी लगा है, और इसीलिए उत्पल बड़ा आया था। और यहाँ पे मतलब स्पीच दे के चले गए, मैं तो नहीं था उस वक्त। फिलहाल दिखाते हैं कैसा सजा है बरपुखरी को अच्छे से। लोगों को पूछ रहे हैं, नहीं मालूम, हमको खुद भी नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ। अब चलो चलते हैं घर की ओर, थैंक यू हमें देश आज़ाद करने में मदद करने के लिए। मेरा ब्लॉग एंड हुआ है, तो जो भी हो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।